नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं हम खबरें हमारी। अपनी सख्त कार्यप्रणाली के लिए चर्चित सतना के कलेक्टर अनुराग वर्मा एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने 17 नवंबर को पूरे कलेक्ट्रेट भवन में संचालित कार्यालयों का निरीक्षण किया, जहां एक सैकड़ा से अधिक कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। यह अपने आप में छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पर यह बताना उल्लेखनीय है कि जब कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सतना में ज्वाइनिंग दी थी, तब भी उन्होंने कुछ दिनों बाद कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण करके कई कर्मचारियों को अपनी सीट से अनुपस्थित पाया था। उस अनुपस्थिति के बाद भी कलेक्ट्रेट के कर्मचारी सुधरे नहीं। कलेक्टर के औचक निरीक्षण के बाद सतना जिले के कर्मचारियों की हिम्मत तो देखिए कि वे कर्तव्यपरायण कलेक्टर होने के बाद भी अपनी कुर्सी पर समय से आना उचित नहीं समझते। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सतना जिले के कर्मचारियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। एक बार पहले भी निरीक्षण किया था, इस बार दोबारा निरीक्षण किया, इसके बाद भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्मचारियों की स्थिति क्या है। अनुराग वर्मा ऐसे पहले कलेक्टर हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में दो बार छापा मारकर कर्मचारियों को यह बताने की कोशिश की है कि सुधर जाइए, नहीं तो आने वाले दिनों में नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जितने भी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, उनमें से अधिकांश कर्मचारी अपने आप को कर्मचारी नेता मानते हैं। उनके सोच में एक चीज बहुत अच्छे से शामिल है कि वे अगर समय से अपनी कुर्सी पर उपस्थित हो गए तो यह उनके सम्मान में, स्वाभिमान में बट्टा लगने वाली बात होगी। उम्मीद की जा रही है कि कलेक्टर के इस आवश्यक निरीक्षण के बाद कुछ कर्मचारी जो दबे कुचले हैं वे तो सुधर जाएंगे, लेकिन कुछ कर्मचारियों में इतनी हेकड़ी भरी है कि वे बिना अनुशासनात्मक या कोई कठोर कार्यवाही के बिना नहीं सुधरेंगे। यदि कलेक्टर अनुराग वर्मा दो चार महीने बाद फिर इसी तरीके से आवश्यक निरीक्षण करेंगे तो उन्हें काफी कुछ कर्मचारी इसी तरीके से अपनी सीट से फिर नदारद मिलेंगे। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने 17 नवंबर को 10:45 में कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में कलेक्ट्रेट की शाखाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें एक सैकड़ा से अधिक कर्मचारी अधिकारी अनुपस्थित मिले। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थित पंजी कब्जे में लेकर उपस्थित चेक की तो उन्हें 135 से ज्यादा कर्मचारी अनुपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए कार्यालय प्रमुख, शाखा प्रभारी, अधिकारी एवं कर्मचारियों को नोटिस जारी कर एक दिवस का वेतन काटने का निर्देश कलेक्टर ने दे दिया है। हालांकि जितने भी कर्मचारी अनुपस्थित थे, इनके ऊपर एक दिन के वेतन काटने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कलेक्टर के औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों कर्मचारियों में राजस्व विभाग कलेक्ट्रेट में सहायक ग्रेड 2 रमेश प्रसाद पाठक, अनिल खरे, सहायक ग्रेड 3 जेएन चौरसिया, प्यारेलाल प्रजापति, दयाराम वर्मा, संजय कुमार जैन, अतुल सिंह बघेल, रोहित कुमार तंतवाय, संतोष पांडे अनुपस्थित पाए गए। वरिष्ठ प्रशिक्षक ई दक्ष श्री ऋतुराज रूसिया, संजय कुमार पांडे भी अनुपस्थित रहे। खंड लेखक लवलेश कुमार यादव, ब्रज किशोर बर्मन, रवि किशोर बर्मन, रन्नो देवी, वंदना साकेत, गणेश वर्मा, लक्ष्मी प्रसाद गौड़ भी अनुपस्थित पाए गए। अब आप देखिए कि यहाँ सिर्फ पुरुष ही अनुपस्थित नहीं है, यहाँ महिला कर्मचारी भी टाइम से नौकरी पर नहीं आती। भू अभिलेख में राजस्व निरीक्षक प्रमोद कुमार पटेल, नारायण चतुर्वेदी, जय सिंह, सहायक ग्रेड 3 ललिता देवी कोल, राजनायक सिंह, अनुरेखक राम सजीवन गर्ग, ज्योति गुप्ता, ऑपरेटर निशा वर्मा, अभिकरण पांडे भी अनुपस्थित रहे। पटवारी कमल नयन मिश्रा, प्रदीप कुमार चतुर्वेदी, अजय प्रताप सिंह, वर्षा गोयल, प्रमोद कुमार पांडे, संतदास साकेत, प्रीतम लाल वर्मन, दिनेश कुमार वर्मा, महेंद्र सिंह गोण, राम कलेश तिवारी, बच्चूलाल वर्मन, सूर्य प्रताप सिंह, बाबूलाल लोध, विजय कुमार कोल, रमेश कुमार कोल, विभूति नारायण चतुर्वेदी भी
निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए। इतना ही नहीं, शहरी विकास अभिकरण में सिटी मिशन मैनेजर सुभाष तिवारी भी गायब मिले। कंप्यूटर वर्क करने वाले पुष्पेंद्र कुमार वर्मन ने भी टाइम से उपस्थित होना उचित नहीं समझा। गोपाल सिंह वाहन चलाते हैं, वे भी टाइम से उपस्थित नहीं हुए। योजना मंडल में एएसओ पी के शर्मा, सुनीलम जीए, बीएलआई वीरेन्द्र सिंह, वर्षा गिरी सहायक ग्रेड थ्री, पीएल वर्मा, महादेव शर्मा, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, दिवाकर प्रसाद मिश्रा भी अनुपस्थित रहे। जब इतने सारे लोग अनुपस्थित थे तो खाद्य शाखा के लोग भी टाइम से क्यों पहुंचे? यहां भी सहायक ग्रेड दो दुर्गावती उइके, ग्रेड थ्री स्वाति जगधारी मंगल कोल भी अनुपस्थित पाए गए। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी सहायक ग्रेड थ्री राजकुमारी सिंह, जनजाति कार्य विभाग में लेखापाल एस एन वर्मा, सहायक ग्रेड टू के बी गौतम, ग्रेड थ्री अजय सोंधिया, आर के चौरसिया, आर पी भास्कर, भगवान दीन वर्मा भी अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित रहने वालों में महिला बाल विकास में भी कई लोग अनुपस्थित पाए गए, जिसमें सहायक अन्वेषक आर के सिंह, आंगनबाड़ी शिक्षिका सावित्री मिश्रा, आंकड़ा विश्लेषक सालक ध्रुवे, अच्छेलाल वर्मा भी अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित लोगों की फेहरिस्त में भी आबकारी विभाग भी अछूता नहीं रहा। यहाँ भी सहायक ग्रेड दो विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा, ग्रेड थ्री रश्मि सिंह, आईटीओ अशोक आर्या, दफ्तरी खूबचंद सिंह, हरिप्रकाश श्रीवास्तव, अंजू रैकवार, रामजी द्विवेदी भी अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित विभागों की फेहरिस्त में सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग में भी सहायक ग्रेड दो गणेश प्रसाद त्रिपाठी, मोतीलाल साकेत, ग्रेड थ्री अंकुर श्रीवास्तव, प्रमुख कलाकार के शुक्ला भी अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा देवेंद्र कुमार त्रिपाठी भी अनुपस्थित रहे। नजूल तहसीलदार कार्यालय में भी अनुपस्थित लोगों की संख्या पाई गई, जिसमें राजस्व निरीक्षक कमलेश पाठक, दिलीप कुमार श्रीवास्तव, चेयरमैन रामराज पांडे, वंदना साकेत, कृष्णा देवी, संतोष कुमार अग्निहोत्री, रामदास बारी, राज बहादुर सिंह, कमलेश कोरी भी अनुपस्थित पाए गए। तहसील रघुराज नगर में भी अनुपस्थित लोगों का आंकड़ा कम नहीं रहा। इसमें भी सहायक ग्रेड दो गिरीश द्विवेदी, बाल्मीक शुक्ला, बनवारीलाल बागरी, ग्रेड थ्री मोहनलाल सिंह, मोलू सिंह, राकेश मिश्रा, मिथिलेश निगम, राजकुमार वर्मा, वीरेंद्र कुमार पांडे, सरोज पटेल, इंद्रजीत सोनी, कंप्यूटर ऑपरेटर ओपी शुक्ला, संजय मिश्रा, खंड लेखक आशुतोष मिश्रा, गोविंद जायसवाल, प्रवीण कुमार वर्मा, ममता साकेत, दुर्गा रैकवार, सुरेंद्र सेन, अमित सक्सेना, ललित मौर्य, अजय नारायण उपाध्याय भी अनुपस्थित पाए गए। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराज नगर में भी लोगों को कलेक्टर का कोई खैफ नहीं। इस विभाग में भी सहायक ग्रेड दो दिनेश चतुर्वेदी, आर के चतुर्वेदी, सुनील निगम, सहायक ग्रेड थ्री जयप्रकाश श्रीवास्तव, मिथिलेश कुमार यादव, राजस्व निरीक्षक सीपी त्रिवेदी, चेयरमैन अजय कुशवाहा, कोषालय में भी सहायक कोषालय अधिकारी सतीश कुमार त्रिपाठी अनुपस्थित पाए गए। इस कार्यालय में भी सिर्फ अधिकारी ही नहीं, सहायक ग्रेड टू संगीता नामदेव, लाल बिहारी सिंह, बाबूलाल कोल, विष्णु नारायण त्रिपाठी, ग्रेड थ्री विजय मिश्रा, केशव प्रसाद शर्मा भी अनुपस्थित पाए गए। अधिकारी और बाबुओं में तो मान लीजिए भय नहीं था, लेकिन भृत्य भी बिना भय के नौकरी कर रहे हैं। भृत्य वैशाली तिवारी भी अनुपस्थित नहीं। पेंशन कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर काशी प्रसाद प्रजापति, भृत्य अवधेश कुशवाहा, सुरक्षा गार्ड भी अपनी नौकरी टाइम से करना उचित नहीं समझते, जिसमें अमन तिवारी भी अनुपस्थित रहे। निर्वाचन शाखा में पीसीओ के बी त्रिपाठी, वरिष्ठ पंजीयक कार्यालय में उप पंजीयक अनीता रैदास, तनुप्रिया कुशवाहा, जिला पंजीयक कार्यालय में सहायक ग्रेड दो बालेन शेखर तिवारी, स्टेनो हीरामणि मिश्रा, सहायक ग्रेड थ्री अक्षय प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं। अनुपस्थित पाए गए लोगों को कलेक्टर ने नोटिस जारी कर दिया है, और इस नोटिस में कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों का समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है, किंतु उक्त शासकीय सेवकों का शासन द्वारा निर्धारित समय प्रातः 10 बजे से कार्यालय में उपस्थित न होना स्वेच्छाचारिता एवं
उदासीनता का परिचायक है, जो सिविल सेवा के आचरण नियम 1965 के उपनियम 1, 2, 3 में प्रावधानित नियमों के प्रतिकूल होने से मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण में अपील नियम 1966 के तहत दंडनीय है। उन्होंने संबंधित कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराएं। हालांकि जितने भी लोग अनुपस्थित पाए गए हैं उनके चेहरे पे उन एक दिन का वेतन काटने से कोई शिकन महसूस नहीं होगी। ये लोग इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि एक दिन के वेतन काटने से इनका कुछ भी बिगड़ता नज़र किसी को भी नहीं आएगा। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट में छापा मार कर यह जाहिर कर दिया कि जब कलेक्टर की नाक के नीचे कर्मचारियों की स्वेच्छाचारिता का इतना बड़ा पैमाना देखने को मिल रहा है, तो पूरे ज़िले के अंदर कर्मचारी कितना निर्भय होकर के अपनी मनमर्जी से काम कर रहे होंगे। इसके अलावा कई कार्यालयों में जो उपस्थित पंजी उपस्थित थी, उन उपस्थित पंजी में कार्यालय प्रमुखों के नाम नहीं लिखे गए थे, जिसके कारण कलेक्टर के इस निरीक्षण के दौरान उन विभागों के विभाग प्रमुख बच निकले जिन्हें कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाया जाना था। भविष्य में जब भी इस तरीके का निरीक्षण हो तो कलेक्टर अनुराग वर्मा जी यह सुनिश्चित करेंगे तो उन अधिकारियों के भी माथे में बल पड़ेगा जो इस निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित होने से बच गए हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।